नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको फ्रिज के बारे में बेसिक डिटेल बताऊंगा, यानी थोड़ी थोड़ी जानकारी सब चीज़ों के बारे में दूंगा। यह देखिए, हमारे पास हायर कंपनी का 190 लीटर डबल स्टार का फ्रिज है। सिंगल डोर है, जिसमें डबल गेट होता है खोलने के लिए, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, वह डबल डोर होता है, लेकिन यह सिंगल डोर है। इसकी लॉक यहाँ पर होती है, देखिए लॉक को घुमाने पर इस हैंडल को इधर खींचते हैं तो यह खुल जाता है। अब इसके अंदर के पार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद पीछे के पार्ट को देखेंगे, पीछे क्या क्या लगा होता है और यह काम कैसे करता है। देखिए, सबसे पहले इसको अच्छे से देख लीजिए आप। देखिए, यह गेट खुल गया है इसका। इस तरह से गेट खोलने के बाद फ्रिज अंदर से दिखता है। अब ऊपर से हम समझना चालू करते हैं। यहाँ पर देखिए आइस जोन लिखा हुआ है, देखिए आइस जोन, यानी यह फ्रीजर होता है या फिर एवापरेटर, फ्रीजर या एवापरेटर, यह ठंडा होता है। इसी की ठंडक पूरे फ्रिज में फैल जाती है। देखिए, यहाँ सब्जी वगैरह रखने के लिए यह चीलर ट्रे होता है। जो छोटे छोटे ट्रे दिख रहे हैं, यह चीलर ट्रे होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं, कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए, कूलिंग को सेट करने के लिए फ्रिज हमको कितना ठंडा करके दे, यहाँ से सेट किया जा सकता है। यह होता है थर्मोस्टेट स्विच। यह एक बटन होता है, इसको घुमा करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से इससे ठंडक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, देखिए, यानी इसके अंदर जो सामान रखे होते हैं, सामान को देखने के लिए यह बल्ब लगा होता है, और उस बल्ब की स्विच यहाँ पर होती है। देखिए, जब यह गेट बंद होता है तो यहाँ से यह नोक दब जाती है, यहाँ से इसकी नोक दब जाती है और यह बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन अभी यह पावर सप्लाई में कनेक्ट नहीं है, नहीं तो बल्ब इसका ग्लो होने लगता है। यहाँ पर अंदर दिख रहा है आपको, यह बल्ब है, इसके अंदर सामान को देखने के लिए यह इस गेट से दब जाता है। इसे जैसे बंद करते हैं ना, ऐसे बंद करेंगे तो यह वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा और यह दब जाता है और बल्ब बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही गेट को ऐसे खोलते हैं, पावर कनेक्ट रहता है, यानी फ्रिज चालू रहता है, तो यह बल्ब चालू हो जाता है। यदि कभी ख़राब हो जाता है, यह बल्ब नहीं जलता या फिर लगातार जलता ही रहता है, तो इस स्विच के माध्यम से इसको चेक किया जा सकता है। यह देखिए, यह थर्मोस्टेट स्विच है, इसी के माध्यम से इसके अंदर की ठंडक को कंट्रोल किया जाता है, यानी फ्रिज को कितना ठंडा करना है इसी स्विच के माध्यम से किया जाता है। इस स्विच को घुमा करके ज़रूरत के हिसाब से ठंडक प्राप्त कर ली जाती है। अब यह कैसे सेंस करता है कि फ्रीजर हमारा कितना ठंडा हो गया है, कितना ठंडा चाहिए, यहीं से सप्लाई को यह कट कर देता है। ये देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यह अभी आप कंडीशन में है। इसको इस तरह से घुमा करके इसको सेट किया जाता है। यह देखिए आप कंडीशन में है, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे तो एक खटका, दो खटका, तीन खटका, यहाँ पर 3 पॉइंट से लो, मीडियम, हाई ठंडक करेगा। यहाँ देखिए, इसकी पूंछ होती है, यानी जो थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट की पूंछ यहाँ पर लगी होती है और सेंस करती रहती है कि हमारा फ्रीजर जो है एवापोरेटर कितना ठंडा हुआ है। जैसे ही यहाँ सेटिंग के हिसाब से ठंडक इसको महसूस होती है, सेंस कर लेता है, तो यहाँ से सप्लाई को कट कर देता है और फ्रीजर यानी कंप्रेसर पीछे का बंद हो जाता है, फ्रिज ठंड करना बंद कर देती है। इस तरह से देखिए, इसमें गैस घूमती है, लाइनें जो उभरी उभरी लाइनें इसमें दिख रही हैं, इसमें गैस घूमती है, जो रेफ्रिजरेंट होता है रेफ्रिजरेटर में वही घूमता है, इसीलिए यह ठंडा होता रहता है। इसमें यह बताया है, डू नॉट यूज शार्प ऑब्जेक्ट टू रिमूव आइस, यानी इसके अंदर कभी बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से इसका कुछ काम हो गया। अब इधर हम समझ लेते हैं। देखिए, इसी तरह से चीलर ट्रे इसके गेट में भी बना होता है। ये देखिए, इस तरह से इधर का ये लॉक है, यहाँ का खूंटी, और इसी तरह से यहाँ नीचे भी बना हुआ है। इसके गेट में यह रबड़ लगा हुआ है, इसको डोर गास्केट कहा जाता है। यह मैग्नेटिक टाइप का डोर गास्केट रबड़ होता है। जैसे ही इस गेट को इसे नज़दीक लाया जाता है बंद करने के लिए, यह ऑटोमेटिक आकर के चिपक जाता है। इस तरह से इसमें हवा का कहीं से लीकेज नहीं होता है, अंदर का चीज़ बाहर और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है। इसको डोर गास्केट कहा जाता है। जब कभी यह डोर गास्केट ख़राब हो जाता है, इसमें मैग्नेट लगा होता है, मैग्नेटिक टाइप डोर गास्केट रबड़ होता है, इसको नज़दीक ले जाने पर यह चिपक जाता है और पूरी तरह से गैस को बंद कर देता है, यानी अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती है। अब इसके
पीछे के पार्ट को समझ लेते हैं, पीछे क्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए पांच स्टार बने हुए हैं, जितने स्टार इसके रेड कलर से कलर्ड हैं इतने स्टार की फ्रिज कही जाती है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है मोर स्टार मोर सेविंग, यानी जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतनी ज़्यादा आपकी बचत होगी, यानी बिजली की बचत होगी। इसलिए जब आप फ्रिज लें तो स्टार का लोगो ज़रूर देखें, स्टार का मतलब ज़रूर समझें कि ज़्यादा स्टार कितने फ़ायदेमंद है, कम स्टार कितने फ़ायदेमंद है। इस तरह से इसका डिटेल अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में बेसिक डिटेल ही बता रहा हूं। इसके पीछे साइड में देखेंगे, चलिए देख लेते हैं पीछे साइड में क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पर मेन मशीन है, ये देख रहे हैं यह मेन लीड है, इसी के माध्यम से सप्लाई कंप्रेसर तक पहुँचती है। और यह काला काला जो आपको दिख रहा है यह कंप्रेसर है। लीड के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक कवर लगा हुआ है, यहीं से मेन पावर सप्लाई कंप्रेसर तक जाती है। कंप्रेसर चालू रहता है तो फ्रिज चालू है, कंप्रेसर बंद है यानी फ्रिज बंद है। इसके अंदर रिले ओएलपी, ये देखिए इसमें जो लाइनें आपको दिख रही हैं यह चार्जिंग लाइन है, यानी इस लाइन को जब इसकी गैस ख़त्म हो जाती है तब इसको खोला जाता है गैस चार्जिंग करने के टाइम में। और दूसरी लाइन है डिस्चार्ज लाइन, यहाँ से गैस को यह कंप्रेसर फेंकता है डिस्चार्ज करता है। उधर जो फ्रीजर लगा है एवापोरेटर लगा है, वहाँ से घूम करके गैस इसके माध्यम से पुनः कंप्रेसर में चली जाती है, यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये देखिए इधर से इसके अंदर गई है पाइप और यहाँ पूरा घूम करके इधर से यहाँ से निकल आई है। इसके बाद यहाँ पर यह फिल्टर है, यानी गैस को छानने का काम यह फिल्टर करता है। इसके बाद यह कैपिलरी ट्यूब देख रहे हैं, फिल्टर के बाद यहाँ से गैस निकली और पूरे इसके बॉडी में जो पीछे का कंडेंसर होता है इसके अंदर कंडेंसर लगा हुआ है। किसी किसी फ्रिज में यह कंडेंसर अंदर नहीं होता है, बाहर जाली टाइप में दिखता है, लेकिन इसमें अंदर कवर्ड किया हुआ है। यहाँ से जब गैस निकलती है तो यह गैस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है, यह घुमा घुमा करके ठंडा करता है और यहाँ से इसको बाहर निकाल देता है। देखिए यहाँ से यहाँ छनती है यानी फिल्टर होती है, फिल्टर होने के बाद एक कैपिलरी ट्यूब है और यह पाइप जो आगे एवापोरेटर होता है फ्रीजर होता है वहाँ पर जाकर निकली होती है। इस तरह से फ्रिज की कुछ बेसिक जानकारी हुई। इसके अंदर रिले ओएलपी है, यह कंप्रेसर है। चलिए हम दिखा देते हैं कि यह लाइन आगे साइड में कहाँ पर निकली हुई है। देखिए यह लाइन ये देख रहे हैं, यह कैपिलरी ट्यूब है, यह लाइन आगे साइड में निकली हुई है, फ्रीजर में निकली हुई है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं, खोल करके इसके गेट को ओपन करेंगे। गेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है, यहाँ पर देखिए इसके अंदर ये देखिए यहाँ पर कैपिलरी ट्यूब वाली लाइन निकली होती है और इसमें आकर के जुड़ जाती है। मोटी लाइन दिख रही है क्योंकि इसका एवापोरेटर वाली है, उसके अंदर ही ज्वाइंट कर दिया गया है उसको। इस तरह से फ्रिज की कुछ जानकारी रही।